बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है। इसी के साथ कई घरों में खुशियों का माहौल है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड अंतर्गत इठा के निवासी सुरेंद्र प्रसाद यादव की बेटी सानिया कुमारी जिले में प्रथम स्थान लाई है। सानिया साइंस विषय में 456 अंक प्राप्त की है। सानिया की कामयाबी पे घर वाले एवं गाँव के लोगों में खुशी का माहौल है। सानिया गांव में ही एक कोचिंग में पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती थी। सानिया को आगे जाकर यूपीएससी की तैयारी करनी है। आपको बता दी कि सानिया के पिता दूध का सेंटर चलाते हैं और जगह जगह जाकर दूध पहुंचाते हैं और माता गृहिणी है। अब यह मौजूद है मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड में, जहाँ सानिया कुमारी जो 10th में भी बिहार बोर्ड में वह टॉप की थी और इंटर में भी वह टॉप की है, जो कि इंटर में उन्हें प्रथम स्थान मिला है, जिला टॉपर है। हम उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। कितना देर पढ़ाई करती थी आप? 8 से 9 घंटा। 8 से 9 घंटा। हाँ। किन किन लोगों के अभी तक बधाई मिल पाई है? मेरे अभिभावक और शिक्षकों द्वारा बधाई मिली। कैसे करते थे? पढ़ाई भी करते थे, घर का काम भी रहता था? तो पढ़ाई के साथ साथ घर का थोड़ा मोड़ा काम भी करती थी मैं। तो माता पिता कितना सहयोग रहा है? पूरी तरह से माता पिता का सहयोग रहा है। और कितने कैसे मतलब पढ़ाई करती थी? आगे भी जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो अपना नोट्स प्रिपेयर करना, सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स, और उसके बाद उस पर पूरा फोकस करके उसको पढ़ना, हर टॉपिक्स को। कहाँ जाती थी पढ़ने? पास में ही कोचिंग सेंटर है वहाँ, और मेरे हाई स्कूल मुरल। हाँ। घर परिवार भी साथ में रहते थे? पापा क्या करते हैं? पापा मेरे दूध का बिजनेस करते हैं। तो आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। कुछ बड़ा करना चाहती हूँ जी। देखिए, इनका जो सोच है वो आगे कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हमारे साथ उनकी माँ है। क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी। कैसा लग रहा है आपकी बेटी जिला में टॉप की है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है जी। आगे क्या बेटी को और भी पढ़ाना चाहेंगे? जी, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी बहुत आगे तक जाए। और बिहार बोर्ड के 10th में भी वह टॉप की थी जी। कितना खुशी है? बहुत। कौन कौन लोग आए हैं बधाई देने? बधाई अपने मतलब सभी अपने लोग जो हैं से बधाई दिया, और बाबू का लोग टीचर है जो स्कूल से कॉलेज से थी, वहाँ के टीचर मैम सर लोग बधाई दिए, और कोचिंग से भी सर लोग बधाई दिए हैं, आस पड़ोस के भी लोग बधाई दिए हैं, अपने रिश्तेदार लोग भी बधाई दिए। जब यह खबर सुनी तो कैसा महसूस हुआ जो आपकी बेटी जिला में प्रथम स्थान पर आई है? बहुत खुशी हुई जी। आगे बेटी को पढ़ाएंगे जी। कितनी बेटी है आपकी? दो बेटी हैं। देखिए, माँ जो है पूरा गांव जो है, यानी कि कहा जाए तो पूरा जिला जो है वो खुशी है, खुशी के माहौल में है। हमारे साथ कुछ गांव वाले भी। कैसा लग रहा है आपके गांव की बेटी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव के बेटे, इस गांव के जो बच्चे बहुत नाम रोशन किया है, और हम चाहेंगे हर घर में ऐसा हो, हर घर में सानिया कुमारी जैसा हो जो जिला टॉप करे, नहीं पूरा राज्य टॉप करे। खुशी है जी। जी, ऐसे टॉपर में। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले। क्या लगते हैं इनकी लड़की? मेरा भतीजी लगती है जी। बहुत खुशी है आपको? बिल्कुल, बहुत खुशी है। हमारे साथ और भी कुछ गांव के लोग हैं। कैसा लग रहा है आपके गांव की बच्ची जिला में प्रथम स्थान पे आई है? ये काफ़ी खुशी की बात है कि छात्रा जो है, अभी नारा सरकार का भी नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके साथ साथ मैट्रिक में टॉप करना, टॉप 10 में आना, और इंटर में भी टॉप करना, प्रथम स्थान लाना, ये काफ़ी ना काफ़ी समाज और गांव में एक चैलेंज होता है, और उस चैलेंज को ये तोड़ के आगे आई है, और हमें उम्मीद भी है कि इससे और भी आगे हो जाएंगे, और ये सकरा के लिए सहित पूरे मुजफ्फरपुर के लिए ये काफ़ी प्रशंसा की बात है, काफ़ी खुशी की बात है, और हम लोग चाहते भी हैं कि इस तरीके से और आगे बढ़े, और जहाँ तक भी समाज पूरे सकरा के लोग हैं वो लोग इनमें समर्थन करते हैं, और खुशी की माहौल है, काफ़ी खुशी। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। कैसा लग रहा है आपकी दीदी प्रथम स्थान पर, ये फर्स्ट की है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पढ़ते हैं जी। कितना काम करती थी दीदी आपकी? बहुत बहुत ज़्यादा काम करती, फिर भी उसमें पढ़ाई करती थी जी। अब क्या दीदी को क्या बधाई दिए हैं कि नहीं दिए? अच्छा लग रहा है।
प्रथम स्थान पे आई जी। अच्छा, बहुत अच्छा है। उसमें भी गांव में रह करके पढ़ना, और भी टॉपर्स है बहुत सारे, लेकिन वो लोग शहर जा करके कहीं पटना कोटा जा करके तब टॉप करते हैं। ये गांव में रह करके घर का काम कर करके और गांव में ही ट्यूशन पढ़ के या फिर स्कूल करके और शुरू से ही टेंथ में हो ट्वेल्थ में हो टॉपर बनी है और गांव का नाम रोशन की है, अपने माता पिता का नाम रोशन की है और आगे भी करेगी। जिस तरह से उसके पास व्यवस्था है या फिर जो माता पिता जितना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट सबकी माता पिता अपने बेटी को करे और अच्छे से अच्छे शिक्षा के लिए प्रेरित करे जितना ये लोग करते हैं। और जो सुविधा नहीं है तब पे भी पढ़ रही है, मतलब यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था स्कूल हो या कोचिंग हो नहीं होने के बावजूद सेल्फ स्टडी करके और गाँव में रह करके टॉप करना आसान बात नहीं है, जितना कर रही है बहुत अच्छा है। और आगे यूपीएससी कह रही है तो यूपीएससी में जाएगी और बहुत अच्छा आईएएस बनेगी। खुशी लग हो रही है, ज़्यादा खुशी हो रही है। यस, बधाई दी है उनको बहुत बहुत पहले से ही।